inches. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, हम भी अल्लाह के फजल करम से ठीक हैं। तो आज मैंने सोचा कि आपके साथ जो है अपनी ब्रेकफास्ट रूटीन शेयर कर दूँ। तो यहाँ मैं बनाने जा रही थी चिकन आलू, भुने हुए आलू बनाने जा रही थी, बस हल्का सा मैं इसके अंदर मसाला रखूँगी। तो इसके लिए जो है बोनलेस चिकन जो है वो मैं उसको बारीक बारीक काट रही हूँ। तो ये बहुत जो है ये मज़े के बनते हैं। तो बस उठी थी सुबह, समझ नहीं आ रही थी कि रोज़ अंडे योगर्ट या चने के साथ जो ब्रेकफास्ट किया जाता है, मैंने कहा चलो आज ये बना लेती हूँ मैं नाश्ते में। तो बस ये ऊपर साथ साथ मैं जो है ये हांडी भी बना लूँगी और साथ जो है मैं पराठे भी बना लूँगी। अब जो है हमने इसके अंदर जो है ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल ऐड करने के बाद अब जो है इसके अंदर मैं अनियन ऐड करूँगी। इसके अंदर अनियन ऐड कर दिया, अनियन को हम थोड़ा सा लाइट ब्राउन करेंगे। जब तक अनियन जो है वो लाइट ब्राउन होते हैं तो हम जो है अपनी जो है टोमेटो जो है उसको जो है मैं उसको ग्राइंड कर लेती हूँ। तो हमारे जो है यहाँ प्याज जो है वो ब्राउन हो रहे हैं, साथ ही जो है मैं पराठे के जो है वो तो यहाँ जो मैं बनाती हूँ वो पराठे जो है वो चकोर बनाती हूँ। सबसे पहले जो है इसके गोल पेड़े करके रख लेंगे हम। तकरीबन हमारे 7 पराठे बनते हैं क्योंकि एक पराठा जो है हर दिन खाकर भी खा लेता है। पहले मैं ये सारे जो है गोल पराठे बना के रखूंगी, मीन्स गोल पेड़े बना के रखूंगी। बस रोज़ यही होता है कि बंदा क्या बनाए, लंच में क्या बनाए, ब्रेकफास्ट में क्या बनाए, तो ये सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है हाउसवाइफ्स के लिए कि वो सोचने पड़ जाती हैं। सुबह लंच में ब्रेकफास्ट करो तो लंच में हमने क्या करना है, लंच में करो तो डिनर में हमने क्या खाना है। सबसे डिफ़िकल्ट टास्क हाउसवाइफ्स का जो होता है ना वो यही होता है। तो अब जो है मैं इनको खोल के रख लूँगी ऐसे बना करके, फिर साथ सारे जो है बेल के इसके अंदर मैं ऑयल लगा दूँगी। अब इधर जो है हमारे प्याज जो है लाइट ब्राउन हो चुके हैं, इसके अंदर मैं भिंडी डाल देंगे, साथ ही इसके अंदर जो है ज़ीरा डाल देंगे। साथ इसके अंदर जो है चिली फ्लेक्स, कुटा हुआ धनिया, साथ हल्दी, सॉल्ट। पहले हम कम ही डालेंगे, फिर बाद में टेस्ट कर लेंगे, फिर बाद में हम इसमें और डालेंगे। इधर थोड़ी सी कलवंजी ऐड कर देंगे हम। मसाले को हम थोड़ी देर 5 मिनट भुनेंगे इसको। अपनी शेल्फ को मेक श्योर कि इसको अच्छी तरह जो है आप साफ़ कर लें। तो मैं जो हूँ शेल्फ पे बनाती हूँ, मैं जो है ना वो चकला जो होता है उसके ऊपर मैं नहीं बनाती, उसके ऊपर मुझसे सही नहीं बनती। तो ये देखिए इसके ऊपर हमने हाथ की मदद से ही आप स्प्रेड कर लें, ब्रश है तो ब्रश कर लें, तो मैं तो है बस हाथ से कर लेती हूँ, ये तो जल्दी भी हो जाता है। ये देखिए हमारा जो है पेड़ा रेडी है। इसी तरह जो है मैं ये जो जितने मैंने पेड़े बनाने हैं मैं उसको अच्छी तरह बना लूँगी। आप एक स्पून की मदद से भी कर सकते हैं, आप कहेंगे किसे नहीं कर रही हैं हाथ की मदद से। हाउस वाइफ जो होती है ना बस उन्होंने होता है कि जल्दी जल्दी जो है ना काम बन जाए, पराठे वगैरह बन जाए जल्दी से, नाश्ता सबको भूख लगी होती है सुबह। हमारा जो है मसाला भून चुका है और इसके अंदर ही हम जो है चिकन डाल देंगे। इसको सिर्फ 5 मिनट आपने चिकन को भूनना है, और क्योंकि इस बोनलेस चिकन बड़ी जल्दी गल जाता है, चाहे तो आप इसके साथ भी आलू डाल सकते हैं। मैं इसके साथ ही आलू डालने लगी। दो मिनट भूनने के बाद इसके अंदर जो है मैंने आलू डाल दिए हैं, इसको मैं 5 मिनट भूनूंगी और इसके बाद जो है मैं इसको प्रेशर दे दूंगी। तो ये कि प्रेशर में ये होता है कि जल्दी वो जो है गल भी आपका सालन बन जाएगा, साथ जो आपके पराठे भी बन जाएंगे। हमारे जो है वो पेड़े बन चुके हैं चकोर पराठे के। और यहाँ सबसे पहले जो हमारी रोटी बनती है ना वो जो हमने जी अपना पैट रखा हुआ है सेमी रॉट वेलर है वो पैट, तो सबसे पहले जो है रोटी हम उसकी बनाते हैं। उसको हम दो रोटियां बना के उसको हम दूध में डालते हैं, कभी कोई चीज़ डाल देते हैं तो कभी उसको कोई चीज़ डाल देते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे सेम की रोटी बनेगी।
ये जो पराठा मैंने ऊपर डाल दिया, अब जो है ये देखें ऊपर ये जो इसके दूसरी साइड से पक गया, तो मैं इसके ऊपर जो है ऑयल लगाऊंगी। ठीक, कितना जल्दी ये पराठा बन जाता है, आप एक घाटे इसको दूसरी साइड से पक जाए तो बड़ा मजे के पराठे बनते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो आपसे शेयर करूंगी कि 3 डिफरेंट या 4 डिफरेंट टाइप ऑफ पराठा आपके साथ में शेयर करूंगी इसको। उधर जो है हमारा खाना भी बन रहा है और इधर जो है हमारे पराठे भी बन रहे हैं। इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें एड में ऐड कर देंगे, गरम मसाला और मेथी। और इसको 5 मिनट दम में रखेंगे हम। इधर जो है हमारे पराठे भी रेडी हो चुके हैं, सालन भी रेडी हो चुका है। अब हम जी अपना लंच वो सॉरी ब्रेकफास्ट एंजॉय करेंगे। इधर जो है हम जो है ब्रेकफास्ट करेंगे, साथ जो है हल्की आग में जो है मैं चाय रख दूंगी। ब्रेकफास्ट करते करते जो है चाय भी बन जाएगी, अपने और हस्बैंड के लिए सिर्फ चाय बनाऊंगी। बच्चों को मैं जो है वो चाय नहीं देती, तो मैं थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग टी पीती हूँ, तो इसलिए जो है मैंने पत्ती जो है वो ज़्यादा डाली है और चीनी भी एज यूजुअल ज़्यादा अच्छी लगती है। बस अंतरीप जो है वेट लॉस जर्नी स्टार्ट होने वाला है और उसकी जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब मैं वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करूँगी। मज़ेदार सा सालन रेडी है। थोड़ी सी मैंने इसमें ग्रेवी रखी है क्योंकि ठंडा होने के बिल्कुल ये जो है ग्रेवी जो है वो ड्राई हो जाएगी। अब जो है यहाँ साथ योगर्ट, साथ ही अगर बच्चों की प्लेट जो रेडी हो चुकी है, बेटे जो है पुष्पा पराठा खाते हैं, जो बेटी है वो हाफ भी जो है वो रो रो के पराठा खाती है, तो कहते हैं हाफ पराठा तो कम से कम तुम खाओ ना, तो इसलिए वो हाफ पराठा ही खाती है, हाफ से बल्कि हाफ खा लेती है वो।